नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है नई उम्मीद के वेब टीवी में और मैं हूँ निर्भय कर्ण। नेपाल के सप्तरी जिला के भारदा स्थित कंकाली माता के मंदिर की प्रसिद्धि केवल नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत के दूर दराज इलाके तक है। कहते हैं कि यह एक सिद्धि पीठ है जहाँ सती का केहुना गिरे होने की मान्यता है। इसी मान्यता के आधार पर देवी माता के पौराणिक मंदिर को नेपाल के राजा महेंद्र एवं ललित बाबू के सहयोग से मरम्मत कर स्थान परिवर्तित कर इसे अलौकिक बनाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ केवल छागर ही नहीं बल्कि पारा यानी भैंसों की भी बलि दी जाती है। ऊपर से दिलचस्प यह है कि यहाँ पर बड़ी आस्था इस बात को लेकर भी है कि बलि प्रदान के दौरान निकले रक्त पर एक भी मक्खी आपको नहीं दिखाई देगा। तो आइए जानते हैं आखिर क्यों कंकाली मंदिर है इतना प्रसिद्ध और माँ कंकाली अपने भक्तों पर कैसे होती है सहाय। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी चंद्रकांत भारती जी। तो चलिए मिलते हैं चंद्रकांत भारती जी से। हमारा नाम चंद्रकांत भारती नाम है। ये देवी मंदिर शक्तिपीठ है और इस शक्तिपीठ है जी। ये प्रतिमा आज से करीब 400 वर्ष पहले एक उदयनंद पंडित नाम के लोग को सपने दिए थे भगवती, जो हमको फलना जगह है वहाँ खनन करके तो मंदिर बना। जहाँ अभी ये मंदिर देख रहे हैं इससे करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर पूर्व उसी में कट गया। वहाँ 9 बीघा 6 कट्ठा जागीर दे के वहाँ मंदिर बनवाए, वो स्थापना किए, पुजारी को बहाल किए, उसी रोज से हमारा वंशज आ रहा है जी। तो उसके बाद कोसी कट गया जी, तो यहाँ ललित बाबू बनाए थे जी, इंडिया के रेल मंत्री, वो भी जीर्ण अवस्था में आ गया। तब यहाँ पर सूर्य प्रसाद सेन ओली जी स्थापना किए और ये नव निर्माण मंदिर में आए जी। इस मंदिर में सर्वप्रथम गणेश जी का प्रतिमा है, उसके बाद कंकालनी का है जी, कंकाल रूप है, शरीर में मात्र कंकाल है जी, समझे। हाँ, उसके बाद जयंती काली है जो पार्वती जी का एक अंग यहाँ केहनी जी खसा है जी, वही शक्तिपीठ कहलाता है। जहाँ जहाँ पार्वती जी का अंग खसा वो अंग यहाँ भी खसा है। उसके बाद दक्षिणी काली है दुर्गा, उसके बाद विष्णु जी है, शंकर भगवान है जी। हाँ, ये सब है। नवरात्रा में आपको यहाँ मेला लगता है, 10 रोज तो छागर बलि होवे करता है, खसी बलि जी, लेकिन नौमी के रोज 500-600 पाड़ा चढ़ता है जी। भक्त लोग यहाँ आते हैं, भक्त लोग मनकामना करके जाते हैं, चंद तरह की बात जी। जो हमारा बीमारी ठीक हो तो हमको नौकरी मिले, तो हमको ये प्लान मिले, मतलब लोग अपने अपनी मिन्नतें लेके आते हैं, कबूलते हैं कि हमें ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आखिर इस मंदिर का नाम कंकालनी मंदिर ही क्यों पड़ा। कंकालनी देवी जो है बीच का देवी, वो कंकाल रूप है जी, इसीलिए कंकाल पड़ा। और दूसरा दूसरा प्रमाण लीजिएगा तो क्यों नहीं गिरा जी, पार्वती जी का अंग क्यों नहीं गिरा जी, उस पर भी पड़ा है और कंकाल रूप पर जो है जी इसलिए पड़ा है जी। और यहाँ यह जब कोसी कटा था तो उससे पहले मंदिर वहाँ था, इसके बाद ये चौथा जगह है जहाँ पे ये मंदिर का निर्माण हुआ। हाँ। इसके पीछे क्या इतिहास रहा, यहाँ वहाँ से यहाँ कैसे ये मंदिर आ पहुँचा। वहाँ कट गया जी, तो हमारे घर तो बस्ती में है जी, वहाँ एक तो झोपड़ी बना जी। किसने बनवाया उसके, तो गांव लोग बनवाए, पुजारी लोग बनवाए जी। हाँ, वहाँ झोपड़ी बना जी। तो आप कहीं विदेश मंत्री, रेल मंत्री ललित बाबू आते थे जो सकड़ा दर्शन करने, जो भारत के रेल मंत्री थे, रेल मंत्री थे जी, वही आके वहाँ दर्शन किए और उनको इच्छा हुआ जो ना ये मंदिर बनना चाहिए, इतना शक्तिशाली देवी का जी मंदिर बनना चाहिए जी। वो भी मंदिर कैसे बनाए जो सुनने में आता है जी, ललित बाबू दिल्ली से चले थे बीरपुर के लिए जी प्लेन से, तो एक इंजन खराब हो गया जी, तो प्लेन में ही भाकल किए वो मनकामना कि माँ हम सब कुशल पहुँचाएंगे तो हम मंदिर बनवा देंगे जी। तो आगे में मंदिर बनवाए थे वो जी, वो जीर्ण अवस्था में हो जाने के बाद जी ये नवनिर्माण मंदिर सार्वजनिक चंदा से मंदिर के आमदनी से ये मंदिर बना है जी। आपके इंडिया के लोग भी बहुत लाखों लाख दिए हैं, दिल्ली यूपी कहाँ कहाँ के, मध्य प्रदेश, वो लोग भी आके यहाँ पर चंदा, मतलब अलग 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 जगहों से लोग इसमें चंदा देते हैं, अपने जितने उनकी सहानुभूति जितनी उनकी क्षमता होती है उस हिसाब से वो देते हैं और मंदिर का आगे विकास हो पा रहा है इसमें, और सरकारी बजट भी आता है जी। अब जी इस जब नवरात्र शुरू होता है 10 दिन काफ़ी एकदम विहंगम दृश्य होता है यहाँ पे, बलि प्रदान यहाँ पे सबसे फेमस माना जाता है, सबसे फेमस माना जी, तो बलि प्रदान की शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे और क्या इसके पीछे रोचक तथ्य है। बलि प्रदान आपको
जब ही स्थापना हुआ तो पंडित बहुत बड़ा पंडित थे उदयानंद प्रसाद अर्जियाल, पहाड़ी थे, बेरवा निवासी थे जी। तो वो तो 400 वर्ष पहले की पुरानी बात है जी, समझे ना। उस टाइम में तो उतना इतिहास भी लोग लिख के नहीं देते थे जी। तो वही पंडित शुरू किए जो भगवती को जो भी मनोकामना करोगे करो और भागवत मनकामना करो और चढ़ावा चढ़ाओ जी। हाँ, मनकामना तो लोगों को पूरा होगा जी। हाँ, पाड़ा वही चलन चलाया जी, पाड़ा भी चढ़ाओ नवरात्रा के रोज। हाँ, मात्र एक रोज आशीन के नवरात्रा के एक रोज नवमी के रोज, नवमी के दिन पारा का बलि प्रदान होता है। छागर खांसी प्रत्येक महीना प्रत्येक दिन होता है, दशहरा में विशेष होता है, 5-7-8 हजार हो जाता है छागर, 500-600 पाड़ा हो जाता है जी। मेला लगता है, 10 रोज मेले मेला रहता है यहाँ पर। भक्त बॉर्डर साइड में है, यहाँ 5-6 किलोमीटर बॉर्डर है जी। हाँ, तो बॉर्डर साइड के भी लोग 40% इधर आ जाते हैं, बिहार के लोग जी, और 60% नेपाल के लोग पहुँचते हैं। कोसी नज़दीक में है और कोसी का कोसी को शोक नदी भी कहा जाता है, और कई बार वो तांडव भी लाती, कई लोग इसे विलुप्त होते हैं, कईयों का मकान टूटता है। लेकिन आपका 40-50 साल का ये तजुर्बा है, यहाँ पर आपने मैया की सेवा करते रहे हैं, क्या लगा है कोसी ने इस मंदिर को कभी कुछ नुकसान पहुँचाया? शुरू में जो पहला फर्स्ट मंदिर था जी, तो वो कटान क्षेत्र में पड़ गया जी, समझे ना। तो हमारे बाबूजी दादाजी और मूर्ति लेके भाग के चले आए बस्ती पे जी। हाँ, तो कोसी को वही क्षति हुआ, उसके बाद कोई क्षति नहीं हुआ। अब हो सकता है भगवती माँ को उस जगह पसंद नहीं आया, उनकी कृपा है, उनकी इच्छा है, जहाँ जाए तो वहाँ से आए, तभी तो इतना बड़ा भव्य मंदिर बना। तो इस मंदिर में इनको स्थापना होना था बिल्कुल। तो इस स्थिति में जब 9-10 दिन यहाँ पे विहंगम दृश्य होता है, काफ़ी लोगों की संख्या रहती है, तो जब बलि प्रदान होता है खासकर पारा का, वैसे तो आपने बताया कि छागर का, खस्सी बकरी सबका यहाँ पे होता है और डेली होता है, लेकिन पारा का एक ही दिन क्यों रखा गया, और दिन क्यों नहीं होता है? एक ही रोज जी, समझे ना, महिषासुर जो था जी, समझे। हाँ, ये बलि प्रदान सच पूछिए तो देवी को नहीं तैयार आ रहा है, महिषासुर को जो वध किए जी। हाँ, तो उनको ही आशीर्वाद दिए, लो तुम्हारा भी बलि एकठो होगा। हाँ, तो वो नमीये की रोज होता है, इसीलिए। आने वाले दिनों आप क्या चाहेंगे इस मंदिर का कैसे कायाकल्प और पलटे, कैसे और ज़्यादा विकास हो कि पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर और भी ज़्यादा भक्तगण यहाँ पहुँचे और मंदिर की सेवा करें, मैया की सेवा करें? देखिए, ये मंदिर जो है आप देख रहे हैं सामने में, हाईवे कितना नज़दीक है जी, ये इंटरनेशनल रोड है जी। हाँ, काठमांडू जाइए, यहाँ से दिल्ली जाइए, पटना जाइए, कहीं भी जाइए, तो ये मंदिर में बहुत कम ही विकास हुआ है। जैसे धर्मशाला बन गया, विवाह मंडप बन गया, कीर्तन स्थली बन गया, हाँ ये सब तो बन गया, कुछ और निर्माण कार्य भी बाकी है जी। पीछे में पोखरी जो है जी, हाँ वो उस पोखरी को हम लोग चाहते हैं बहुत विशाल ढंग से बनाएं जी, चारों बगल सीढ़ी लगाएं। हाँ, ऐसे ऐसे 2-4 ठो और विकास कार्य हो जाएगा तो ये पर्यटकीय स्थल बन जाएगा। पर्यटक स्थल इसलिए बन जाएगा, यहाँ कोसी नज़दीक है, आकर्षण वो है, यहाँ पर मृग वन है जी, 10-15 किलोमीटर बाद में मृग वन भी है जी, और कोसी भी है, और यहाँ पर ये शक्तिपीठ मंदिर है जी, पूरा बिहार की, पूरा इंडिया में, नेपाल में इतना बड़ा मंदिर कहीं है ही नहीं जी, समझे ना। यहाँ गढ़ी माई का मंदिर है 12 जिला में, वहाँ सबसे ज़्यादा पड़ा छागर का बलि प्रदान होता है, सेकेंड में यही है जी। इस दशहरे के पावन पर्व पर आप भक्तगण को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्त लोग नवरात्रा के रोज़ आए, ये देवी मंदिर में दर्शन करें, अपना मनोकामना लेके आए, जरूर वो भक्त लोग को मनोकामना पूरा होगा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपनी ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अब तक जाना कंकालनी मंदिर के रहस्यों के बारे में, अब यहाँ आए लोगों से बात करते हैं कि उनका कंकालनी मैया के बारे में क्या राय है, ये भक्तजन जब यहाँ आते तो उनके उन्हें कैसी अनुभूति होती है, इस बारे में जानते हैं। नामी दिखे छे पर्वत के खान आवे छे लोग बोल बलदान देने नमी के नीक नमी का आवे छे एठा एठा नमी का आवे छे हमर घर या यही ठा बाहर रे गुलाय मरी नाम छी हमर हम भारत मंदिर के से मतलब पसारी छी। हमर नाम विष्णु माधव, हम तो के स्थानीय वासी
हक एक वासी छी हम एक नंबर वार्ड के ई हमरे वार्ड नंबर में बहुत प्रशांत कंकाली मंदिर छी ई बहुत दूर दूर के भक्तजन सब आबे छै त पूजा पाठ करै छै एकदम बहुत दया छै मंदिर के कंकाली के नाम से चिन्है छै माँ कंकाली के नाम से चिन्है छै बहुत दूर दूर के देश विदेश के आबि आबि के पूजा पाठ करै छै मेला लगै छै बहुत बड़का मेला लगै छै तसे ओतबी नहि तकर बाद मतलब बलि प्रदान सेहो होइ छै लाखों हजारों मे छागर बलि प्रदान होइ छै प्लस तकर बाद ई अथी पाड़ा सेहो बलि प्रदान होइ छै दसैं के दिन। जिन्होंने अभी तक नई उम्मीद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नई उम्मीद के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले कड़ी में फिर हम मिलेंगे एक नई जगह पर नए लोगों से नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए निर्भयकरण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।